आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। दिल्ली में आतिशी संघ 5 नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ, एक नया चेहरा भी होगा शामिल। आतिशी 21 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन मंत्री पद की शपथ लेंगे। नए चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत का नाम सामने आया है, जो कि दलित समाज से आते हैं और सुल्तानपुर माजरा के विधायक हैं। राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार में कोई भी दलित मंत्री नहीं था, ऐसे में अहलावत को मंत्री बनाया जाएगा। हमारी संसद अपने लोग भेज रहा भारत, कनाडा ने भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कनाडा ने एक बार फिर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS का कहना है कि भारत अवैध फंडिंग और दुष्प्रचार अभियान चलाकर कनाडा की राजनीति में दखल दे रहा है। आरोप है कि भारत फंडिंग और अन्य मदद करके अपनी पसंद के नेताओं को कनाडा की संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने दिया इसराइल को अल्टीमेटम, पहले फिलिस्तीन की आजादी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन की आजादी की बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के बिना इसराइल को मान्यता नहीं देगा। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सऊदी किंगडम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की मांग का समर्थन करता है। लॉरेंस बिश्नोई को भेजू क्या, बुर्का पहनी महिला ने दी सलमान खान के पिता को धमकी। सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को गुरुवार सुबह धमकी मिली है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सलीम खान जब बेंच पर बैठकर आराम कर रहे थे, तभी गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ से बैंड स्टैंड की स्कूटी पर एक शख्स जा रहा था, जिसके पीछे बुर्का पहनकर एक महिला बैठी थी। सलीम खान के पास आकर उस महिला ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजू क्या और उसके बाद फरार हो गई। दिल्ली की जिम्मेदारी से हो गए मुक्त, हरियाणा में कल से चुनाव प्रचार में जुटेंगे अरविंद केजरी। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार से हरियाणा में एक्टिव होने जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वो प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। जी हां, आपको बता दें आपके मुखिया 20 सितंबर से जनता के बीच जाएंगे और जगाधारी में रोड शो करेंगे। अमेरिका में सस्ता हुआ ब्याज, क्या भारत में भी कम होगा ब्याज। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट कम करने का ऐलान किया। इसके साथ ही भारत में भी ब्याज दरें कम होने की उम्मीद तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा था कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास भी ब्याज दरों को घटाने से पहले फेड रिजर्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक पहले भी इस साल अपनी ब्याज दरों में कटौती कर चुका है। कंगना की इमरजेंसी को लेकर हाईकोर्ट की CBFC को फटकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर CBFC को भटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता। CBFC को 25 सितंबर तक फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे दिया गया है। हरियाणा चुनाव, ब्राह्मणवास में विनेश फोगाट की हुई दलित चौपाल, जानिए क्या मिला। हरियाणा के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से 18 सितंबर को विनेश फोगाट की सभा ब्राह्मणवास गांव में हरिजन चौपाल में हुई। आपको बता दें कि गांव में 100-120 दलित परिवार हैं। विनेश फोगाट की सभा को व्यवस्था ब्राह्मण परिवारों ने की और दलितों ने उनकी बात मानी। विनेश की सभा में दलितों ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन बाद में कहा कि वो इनेलो बसपा के संयुक्त उम्मीदवार सुरेंद्र लाठार को वोट देंगे। डायबिटीज में फायदेमंद है लकड़ी वाली चाय। डायबिटीज के मरीजों के लिए दालचीनी की चाय अमृत समान है। इस चाय को रोजाना एक कप पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। दालचीनी की एक लकड़ी को उबालकर चाय बनाई जाती है और इसमें नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। मोहम्मद यूनुस को भी शेख हसीना जैसा डर, सेना को दी गोली मारने की पावर। बांग्लादेश में चुनाव की मांग तेज होने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी है। अगले 60 दिनों के लिए सेना को किसी को भी गिरफ्तार करने और गोली मारने तक का अधिकार मिल गया है। यह फैसला BNP के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा ढाका में चुनाव की मांग करने के बाद लिया गया है। पहले पेजर फिर वॉकी टोकी, अब इजराइल ने लेबनान के 6 शहरों में एयर स्ट्राइक से मचाया कोहराम। लेबनान में पेजर में हुए धमाकों के बाद बुधवार को वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए हैं और इस हमले में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी एयरफोर्स के 6 शहरों में एयर स्ट्राइक की है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।